Hello students, let's study language practice. Active voice. Read the following sentences. She is writing the story. वह एक story लिख रही है. She subject is helping verb. Writing verb ing form. Main verb हो गई है. The story object. अब क्या करना है, जब active voice है आपको passive voice बनाना है. पहले वाले वीडियो में भी वॉइस में बता चुकी हूँ इसको. द स्टोरी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया इधर. द स्टोरी इज आईएनजी इसमें लगा है तो ये बी का फॉर्म हो जाएगा पैसे में. बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय शी का हो जाएगा हर. द स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय हर. स्टोरी उसके द्वारा लिखी जा रही थी. ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एक और एग्जांपल से समझिए इसको. ही हैज़ रिटन द लेटर. वह पत्र लिख चुका है. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस ही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था. परफेक्ट का किस तरह से बनाते हैं, ही सब्जेक्ट हुआ, हैज़ रिटन एक्शन हुआ जिसमें हैज़ उसकी हेल्पिंग वर्ब है और रिटन उसकी मेन वर्ब है. द लेटर ऑब्जेक्ट है, चेंज किया, लेटर पहले आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया. द लेटर हैज़, अब ये परफेक्ट का है, थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर बीन थर्ड फॉर्म रिटन बाय ही का हो जाएगा हिम. सब्जेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. राइट द चेंजेस यू हैव नोटिस्ड. जो चेंज आपने इसमें नोटिस किए हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, उसको आपको कॉपी में नोट कर लीजिए. नाउ पैसिव वॉइस, अब आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से चेंज करते हैं. ये एक्टिव वॉइस ही हैं, ये इनका पैसिव बनाया हुआ है. रवि इज मेकिंग अ काइट. रवि एक काइट बना रहा है. अ काइट इज बीइंग मेड बाय रवि. ठीक है, अ काइट यहाँ पर आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, इज वैसे ही आ गया क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है इसलिए बीइंग आईएनजी लग गया. बीइंग मेक अ थर्ड फॉर्म मेड बाय नाउन जब होता है तो फिर नाम का नाम ही आ जाएगा रवि. She is advising me. Me का हो जाएगा I. I के साथ am का यूज़ होता है. I am being advised by her. They are cutting the trees. The trees are plural है तो are का यूज़ होगा. Being cut, 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 cut. Third form cut होता है. Cut by them. They का हो गया them. Now past continuous. I was writing an essay. Essay. An essay was being written. Singular है, was का use होगा. They were drawing a picture. A picture was being drawn. Draw का third form drawn. He was writing some articles. Some articles were plural है तो were being written by him. Now present perfect tense. Ritu has caught a rat. रितु एक चूहा पकड़ चुकी है. A rat has been. परफेक्ट में क्या होता है, बीन लगता है. ये आप सबका आपको लर्न करना है. ये A rat has been caught by Rita. They have seen this article. This article has been seen by them. She has chosen these mugs. कप, वह ये कप चुन चुकी है. दीज मग्स हैव बीन चूजन बाय हर. पास्ट परफेक्ट टेंस. दे हैड कट द ट्रीज. द ट्रीज हैड बीन कट. आपको याद रखना चाहिए कि हैड का तो हैड ही रहेगा, कोई चीज नहीं है, और पैसे में बीन लग जाता है परफेक्ट में. I had washed the money. I had wasted the money had been wasted. She had made some pictures.
वह कुछ पिक्चर्स बना चुकी थी। सम पिक्चर्स हैड बीन मेड बाय हर, कुछ पिक्चर्स उसके द्वारा बनाई गई थीं। नाउ चेंज इनटू पैसिव। माय मदर इज़ मेकिंग टी, मेरी माँ चाय बना रही हैं। टी इज़ मेकिंग मेड बाय माय मदर, चाय मेरी माँ के द्वारा बनाई जा रही है। दे आर प्रेजिंग हर, वे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। शी हर है तो यहाँ पर शी हो जाएगा जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा। शी इज़ बीइंग प्रेज्ड बाय देम। रीना वॉज डूइंग हर असाइनमेंट, असाइनमेंट इज बीइंग डन बाय रीना। दे वर मेकिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स वर बीइंग मेड बाय देम। शी हैज़ लॉस्ट हर सेल फोन, सेल फोन हैज़ बीन लॉस्ट बाय हर। आई हैव थॉट ऑल द गिफ्ट्स, आई हैव बॉट ऑल द गिफ्ट्स, मैं ये सारे गिफ्ट्स खरीद चुका हूँ। ऑल द गिफ्ट्स हैव बीन बॉट बाय मी, आई का मी हो जाएगा कि ये सारे गिफ्ट्स मेरे द्वारा खरीदे जा चुके हैं। ही हैड डन हिज क्लास वर्क, क्लास वर्क हैड बीन डन बाय हिम। ही हैज़ फिनिश्ड हिज लेसन, लेसन हैज़ बीन फिनिश्ड बाय देम। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ही, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम, इसको आप हिम कर लीजिए। लेसन हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। दे वर राइटिंग पोएट्री, पोएट्री वॉज बींग रिटन बाय देम। वी हैव लर्नड ऑल रूल्स, ऑल रूल्स हैव बीन लर्नड बाय अस, वी का हो जाएगा अस। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी की, चेंज द फॉलोइंग टू पैसिव वाइज, द टेंसेस टू बी यूज्ड आर गिवन विद इन। आपको सेंटेंस दिए हुए इसके साथ इनका, आपको अभी सिर्फ वॉइस चेंज करना था एक्टिव से पैसिव, अब आपको पहले इनका टेंस बदलना है और फिर इसमें वॉइस चेंज करना है, मतलब दो काम है, टेंस भी बदलना है और वॉइस भी चेंज करना है। दिस पिक्चर ब्रैकेट में दिया ऑलवेज एडमायर, जो रूट वर्ड्स हैं वो आपको दे दिए गए, प्रेजेंट में आपको करना है पैसिव में। दिस पिक्चर इज ऑलवेज एडमायर, दिस पिक्चर तो इसमें लिखा ही है, प्रेजेंट में करना है तो इज आ जाएगा, ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा एडमायर्ड, ऑब्जेक्ट इसमें जो है वो हिडन रहेगा डूअर। हिज लेग हर्ट इन एन एक्सीडेंट, पास्ट इंडेफिनिट में करना है तो वॉज आ जाएगा, हिज लेग वॉज हर्ट इन एन एक्सीडेंट, किसके द्वारा उसमें नहीं दिया है वो हिडन है। दिस एक्सरसाइज डू वेरी केयरफुली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आएगा और आई एन जी फॉर्म आएगा वर्ब का। दिस एक्सरसाइज इज बीइंग डन वेरी केयरफुली, द बॉक्स नोट ओपन फॉर द लास्ट 100 ईयर्स, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज आएगा और बीन आएगा। दिस बॉक्स हैज़ नॉट बीन ओपन्ड फॉर द लास्ट 100 ईयर्स। टू ऑफ माई डिनर प्लेट्स ब्रेक, प्रेजेंट परफेक्ट, एकदम क्लियर है। हैव बीन, टू ऑफ माई डिनर प्लेट्स हैव बीन ब्रोकन। अ बिग बैटल फाइट 200 ईयर्स अगो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वॉज आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव है तो आना ही आना है। अ बिग बैटल वॉज फॉट 200 ईयर्स अगो। दिस प्ले फॉरगेट इन अ न्यू ईयर्स टाइम, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये देखने लायक है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में अभी आपने एक भी किया नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट में एकदम। अरे 7 नंबर, यू इनवाइट टू लंच टुमारो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज़, तो यू है तो हैव आएगा प्लस बीन, यू हैव बीन इनवाइटेड टू लंच टुमारो।
हिडन सब्जेक्ट है सभी में। दिस प्ले फॉरगेट इन अ न्यू फ्यू ईयर्स टाइम फ्यूचर इनडेफिनिट, फ्यूचर इनडेफिनिट मीन्स विल बी आना है। दिस प्ले विल बी फॉरगॉटन इन अ न्यू इन अ फ्यू ईयर्स टाइम। नाइन नंबर, इंग्लिश स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट इनडेफिनिट, तो ये एकदम क्लियर है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपका प्रेजेंट है तो फिर आपको इनडेफिनिट है तो इज आएगा ही आएगा, वर्ब का थॉट थर्ड फॉर्म आना ही आना है। टेन नंबर, वर्ब क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट मी पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट मीन्स कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, वॉज एंड वर, तो फिर वर्ब क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट मी क्वेश्चन है कि क्या मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो प्लूरल है तो वर आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है, और क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, वर्ब क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट मी क्वेश्चन मार्क। मिल्क यूज फॉर मेकिंग बटर एंड चीज प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट मीन्स इसका यूज होगा। मिल्क इज यूज फॉर मेकिंग बटर एंड चीज। यू वॉन्ट टू हेल्प ले द टेबल प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट तो आपसे खूब अच्छे से बन गया है, यू है तो इसके साथ आर आएगा। यू आर वॉन्टेड टू हेल्प ले द टेबल। थर्टी नंबर, द पियानो प्ले फॉर टू लाउडली पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट मीन्स वॉज, द पियानो वॉज प्लेड फॉर टू लाउडली। फोर्टी नंबर, वॉट डू अबाउट दिस प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स हैज, वॉट हैज बीन डन अबाउट दिस, द बुक फिनिश next month, future indefinite means will be, the book will be finished next month. See the next table, active voice, passive voice. So read the following sentences. Mr. Rao is to clarify our doubts in grammar. Mr. Rao hamare doubts grammar mein clarify karte hain. Passive kya ho gaya, doubts, ये जो है ये आपका सब्जेक्ट बन जाएंगे। डाउट्स इन ग्रामर आर टू बी क्लैरिफाइड बाय मिस्टर राव, डाउट्स ग्रामर में मिस्टर राव के द्वारा क्लैरिफाइड होने हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम एज ए सब्जेक्ट, दिस प्रॉब्लम कैन, कैन पैसिव इसलिए लग गया बी, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व। Somebody should have cleaned the windows yesterday. किसी ने ये windows yesterday किसी को clean कर देनी चाहिए। The windows ये आ गया। Should have लगा है, आपको देखना है कि ये perfect है इसलिए been लग गया, should have been cleaned yesterday. It is said that he is 100 years old. So, it is said, ये ही इसमें नहीं होना चाहिए, it is said, ये तो बिल्कुल वैसे ही के वैसा है, यहाँ से चेंज होता है, to be 100 years old. यह कहा जाता है कि वह 100 year का है, उसको 100 year होने का बोला जाता है। It is reported that two people were killed in explosion. यहाँ से अपन लेंगे ऑब्जेक्ट, two peoples were reported to have been killed. यहाँ पर जो टेंसेस का चेंज हो जाएगा,
हैव बीन किल्ड इन एक्सप्लोजन। ये रिपोर्ट किया जाता है कि दो लोग, ये रिपोर्ट की गई थी कि दो लोग एक्सप्लोजन में मारे गए थे। दो लोग एक्सप्लोजन में मारे जाने की रिपोर्ट थी। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द स्ट्राइक विल बिगिन टुमारो। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्ट्राइक कल शुरू होगी। द स्ट्राइक इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन टुमारो। पीपल से दैट इट इज़ वेरी गुड। लोग कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है। इट इज़ सपोज्ड, लोग कहते हैं, इट इज़ सपोज्ड, ऐसा माना जाता है। पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो अपन इस तरह से यूज़ करेंगे। इट इज़ सपोज टू बी वेरी गुड। एक्सरसाइज, राइट द चेंजेस यू हैव बीन फाउंड वाइल चेंजिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक्सरसाइज। ये तो आपको हमेशा कॉपी पेन रखना है, चेंज तुरंत नोट करना है। नाउ चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू पैसिव इन द सेम वे। उसी तरीके से अब आपको चेंज करना है जैसे अभी ऊपर एग्जाम्पल में किया गया था। You should look all these words up in a dictionary. डिक्शनरी में आपको ये सारे वर्ड्स देखे जाना चाहिए। शुरू करते हैं अपन यहाँ ऑल दिस वर्ड से। ऑल दिस वर्ड्स शुड, पैसिव वॉइस से तो बी लुक का हो जाएगा थर्ड फॉर्म लुक्ड, अप इन अ डिक्शनरी। आप देखते जाइए कि मैंने किस तरीके से किया है प्रोसेस, तो आपसे बड़े आराम से बनेगा। We must go into this matter. This matter must be, वो का हो जाएगा gone into, इस matter में जाना चाहिए, इस यह matter जाना चाहिए। You cannot take her in so easily. शी, हर दिया है ना, हर तो होगा नहीं, तो हर का हो जाएगा शी। शी कैन का हो जाएगा कुड, नॉट बी टेक का हो जाएगा टेकन, इन सो इजीली बाय यू। प्रोसेस आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत इजी करना है इसको। दे लॉक्ड द हाउस अप Before they left the house, अब आप देखिए कि past indefinite का sentence है, tense आपसे अच्छे से बनने चाहिए तभी voice बनेगा। इसके पहले मेरे tense वाले video देखिए तभी आपसे voice बिना किसी परेशानी के बनेगा। The house was third form locked up before they left. He wishes to see that they have carried out his instructions. इसको आप बुक में देखिए और आंसर इससे कॉपी मत करिए, पहले सॉल्व करिए, फिर आंसर एक बार देखिए, फिर उसको बंद करके फिर बिना देखे करिए। देखिए सेंटेंस आप अच्छे से इसको पहले पढ़ा करिए कि विशेस, तो आपको पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और यहाँ आपको पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ही विशेस टू सी, वह देखने की इच्छा करता है, क्या देखने की इच्छा करता है, डैट दे हैव कैरीड आउट हिज इंस्ट्रक्शंस। अब अपन को करना है कि इट इज़ हिज विश, यह उसकी इच्छा है, टू सी दैट They have carried out in his instruction. देखने में जितना मुश्किल लगता है करने में उतना ही आसान होता है। इतने बस का आपको बनाना, बाकी सब तो उतारना है। तो he wishes का चेंज हो गया, it is his wish. People should send their complaints to the head office. People's कंप्लेंट्स, लोगों की
कंप्लेन, देयर कंप्लेन, देयर कंप्लेन यानी पीपल कंप्लेन, यहाँ को यहाँ नहीं उठाया है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ से उठाया है। ये आपका जो ऑब्जेक्ट है देयर कंप्लेन, देयर कंप्लेन यहाँ पे सब्जेक्ट बना है, पीपल को यहाँ मत रखिए। तो देयर मतलब उनकी, उनकी मतलब किनकी, पीपल की, इसलिए यहाँ पर क्या है पीपल्स कंप्लेन। ठीक वैसे ही जैसे हर को शी कर देते थे, इसी तरह से पीपल्स कंप्लेन शुड बी सेंट टू द हैंड हेड ऑफिस। पीपल से दैट ही राइट्स पोएट्री, इट इज़ सेड, पीपल से लोग कहते हैं इट इज़ सेड, यह कहा जाता है, बाकी तो बिल्कुल वैसे ही है, दैट ही राइट्स पोएट्री। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, श्योरली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।